रात शुक्रवार को दही हांडी फोड़ने के दौरान एक हादसा हो गया। रात को करीब 10:30 बजे पुराने शहर के प्रसिद्ध गंगश्याम मंदिर परिसर में नंद महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, जहां मंदिर परिसर में साउंड सिस्टम के कई ट्रस लगे हुए थे। इनमें से एक ट्रस से दही हांडी बांधी गई थी। दही हांडी को फोड़ने के लिए रस्सी को बार बार खींचा जा रहा था, जिससे ट्रस नीचे खड़े श्रद्धालुओं पर गिर गया। इस हादसे में कई श्रद्धालु घायल हो गए। वही आपको बता दें, हादसे में 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ज्यादा चोट लगी है। सभी श्रद्धालुओं को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर विधायक मनीषा पवार और पुलिस अधिकारी पहले घटनास्थल पर पहुंचे और फिर अस्पताल पहुंचकर श्रद्धालुओं की स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से जांच पड़ताल जारी है। अभी अचानक ही पता चला कि कुछ समय पहले घनश्याम जी के मंदिर में नंद महोत्सव का आयोजन हो रहा था और उसमें एक हादसा हो गया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, जिनको MGH अस्पताल लाया गया है। तीनों का इलाज शुरू हो गया है और हम सब यहाँ उनको देखभाल करने के लिए आए हैं और सभी पार्षदगण, सभी वहाँ के मौजूद लोग, सभी मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर्स ने इलाज शुरू कर दिया है और लगातार संपर्क में है, और मैंने मुख्यमंत्री आवास में भी जानकारी दे दी है और कलेक्टर महोदय को भी और प्रशासन को भी, तो सब लगे हुए हैं। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहे और लगातार उनका इलाज जारी रहे। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाकर जो उन्होंने उनका योगदान है कि यहाँ जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हुआ है, और हम भी यही कामना करते हैं जो यहाँ परिवार वाले हैं उनके हम दुखद घटना में दुखद घड़ी में साथ खड़े हैं, और हम ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि नंद महोत्सव मनाता और घनश्याम जी की कृपा से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हम सब इनकी देखभाल के लिए यहाँ खड़े हैं। घायल हुए उनको कोई सहायता के लिए कुछ जिला प्रशासन प्रशासन से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। पहला हमारा कर्तव्य है कि उनका इलाज कराया जाए, उनको स्वस्थ रखा जाए। पहले हम ये काम करेंगे, फिर प्रशासन से और कलेक्टर महोदय से बात करके ये भी बात की जाए।